राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं विवादीय ट्वीट परे तेजिला राजनीति। बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र निज प्रतिक्रियारे कहिसंती एहा कांग्रेसर आदिवासी विरोधी मनोभाव को प्रदर्शित करुछि। एक घटना दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस नेता उदित राज जो भाई शब्दर व्यवहार करिसंती आदिवासी विरोधी मनोभाव को दर्शाउछि बोली कहिसंती बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरातर एक कार्यक्रम लुण को नहीं निजर अभिभाषण रखिले। कांग्रेस नेता उदित राज राष्ट्रपति बयान को नहीं ट्वीट करने किसी बीजेपी यार जवाब रखी। राष्ट्रपति निजर गुजरात गस्त समय साबरमती आश्रम पहुंचा सह जातिर पिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देते। यापर से एक कार्यक्रम में निजर संबोधन रखिते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कही देशर 76% लुण गुजरात उत्पादित हो सारा देशवासी गुजरात लुण खाऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं विवादीय ट्वीट परे तेजिला राजनीति। बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र निज प्रतिक्रियारे कहिसंती एहा कांग्रेसर आदिवासी विरोधी मनोभाव को प्रदर्शित करुछि। एक घटना दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस नेता उदित राज जो भाई शब्दर व्यवहार करिसंती आदिवासी विरोधी मनोभाव को दर्शाउछि बोली कहिसंती बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरातर एक कार्यक्रम लुण को नहीं निजर अभिभाषण रखिले। कांग्रेस नेता उदित राज राष्ट्रपति बयान को नहीं ट्वीट करने किसी बीजेपी यार जवाब रखी। राष्ट्रपति निजर गुजरात गस्त समय साबरमती आश्रम पहुंचा सह जातिर पिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देते। यापर से एक कार्यक्रम में निजर संबोधन रखिते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कही देशर 76% लुण गुजरात उत्पादित हो सारा देशवासी गुजरात लुण खाऊ। आज उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था, वह भी हमने सुना था। कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है, आज देश में एक आदिवासी, एक महिला संघर्ष करके राष्ट्रपति बनी है। आश्चर्य का विषय है, दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है।